एक नु आठ क्लास जकर अच्छे 61टा छुआ छन 1 से 8वीं तक है यहाँ पे टोटल 61 स्टूडेंट्स हैं और पास पास के गांव जैसे जेमामाल है बरहामुंडी है और कुछ कुछ यहीं आसपास के गांव से आते हैं। बरहामुंडी में हमारा यही स्कूल 8 क्लास तक है और दूसरा स्कूल नहीं है। मैंने काम छाड़ी दी थी लेकिन उधर बना ले आओ। मैम 2011 में स्कूल का काम शुरू हुआ था, उसके बाद लोग ने काम करना अचानक से बंद कर दिया और काम पूरा रुक गया था, तो बच्चे लोगों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। स्कूल के लिए अच्छा जगह नहीं था, बच्चे जो बैठते थे पानी आ रहा था और खाने के भी वो जो बैठते थे वो पानी आ रहा था। पहले से हमारा इस स्कूल में 5 लाख का एक ठेकेदार में आया था, लेकिन यहाँ ये बिल्डिंग में बहुत खर्चा किया, लेकिन ये बिल्डिंग भी हमारा वो वेस्ट हो गया क्योंकि वो छत जो ने जिसको मैंने ठेकेदार हमने दिया था वो उन्होंने अच्छे से नहीं बनाया, वो वही ठेकेदार को फिर हमारे सरपंच उनको देना चाहते थे। हम चाहते थे हम बनाएंगे, उनको हम ठेकेदार में नहीं देंगे, तो हमने सब कमेटी का लोग वहाँ फिर खड़ा हुआ और सरपंच ईओ जेई ए बी डी ओ हमारा ब्रह्मडी गांव में आए। सुने उन्होंने सर बोला कि काम हो जाएगा दीदी, हाँ हमने बोला हम कुछ भी नहीं करेंगे, काम स्टार्ट करो। काम स्टार्ट किया, फिर से हमने कैसे किया कि जो पुराना सामान थे वही में हार्वेस्टर कुछ लगा दिया और काम अच्छे से नहीं किया। फिर हमने जाकर कंप्लेन किया, फिर गृहांश का कलेक्टर ने वीडियो को बोला कि ब्रह्मडी तुम जाओ, ब्रह्मडी में हमारा वीडियो ए वीडियो जीआरएस जेई सरपंच ईओ फिर सब आया, फिर चेक इन किया, काम अच्छे नहीं हो रहा है, काम सब निकालो और हार्वेस्टर को फिर निकाल के फेंक दिया। और पहले से जो भी काम तुम्हारा यदि कैश 2 लाख में नहीं चलेगा तो हमने फिर 1 लाख आपको देंगे और काम अच्छे से तुम करो, क्योंकि ये पब्लिक का मैंने ये है बोलीगिरी जो वीडियो ने बारम्बार धमक दिया। इसके बाद फिर काम शुरू चल रहे हैं अच्छे से, अभी काम चल रहे 3 लाख रुपये हो गया और काम अच्छे से पूरा स्कूल बना चल रहा है।